एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट तो हमने अभी किया था, ये सेकंड है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, 2x-3y = 8, 4x-6y = 9। कंसिस्टेंट है कि नहीं ये हमें बताना है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो इक्वेशन ही लिख लेते हैं, 2x-3y = 8, 4x-6y = 9। ये हमारी इक्वेशन वन, ये हमारी इक्वेशन टू, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, रेशियोस निकालना है, ठीक है। तो रेशियोस निकालने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, a1 upon a2 कितना है, 2 upon 4, जिसे हम फर्दर कट करें तो 1/2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये आ गया हमारा 1/2। b1 upon b2 क्या लिख सकते हैं, -3 upon -6, तो -3 upon -6, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और ये भी फर्दर कट होगा तो किससे, 1/2। सेम वे c1 upon c2 कितना आएगा, 8 upon 9, ठीक है। सिंस यहाँ पे a1 upon a2, b1 upon b2 किस दोनों कैसे इक्वल है, बट c1 upon c2 नहीं इक्वल है। सिंस a1 upon a2 = b1 upon b2, बट नॉट इक्वल, b1 upon b2 ≠ c1 upon c2, ठीक है। तो इसके हिसाब से कौन सी कंडीशन में फिट हो रहा है, पैरेलल लाइन वाली कंडीशन में। तो क्या होगा, देयरफॉर दिस दिस लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दस हैव नो पॉसिबल सॉल्यूशन, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट हमें यही बताना था, तो ये कैसी हो गई, इनकंसिस्टेंट हो गई।